आपसे मतभेद हुआ था, हम सभी लोगों ने जिसने आप बेटा जी हैं, महाराज गिरीशगिर जी हैं, महाराज दशगिरी जी हैं और सभी साधु संत हैं, ये हम सब ने आपस में बैठ करके विवाद तो था ही नहीं, बन गया था किसी कारण से, उसको लगभग सुलझा दिया। पक्ष दो थे ही नहीं, हम तो इसको एक ही मानते हैं। और जहाँ तक ये रास्ते का विवाद था, ये भी कुछ समय में आपस में करके इसको कर लेंगे ठीक, जैसा भी मंदिर के हाथ में गए ऐसा विधायक जी ने आश्वासन भी दिया है और हम सभी सहमति करते हैं। बाकी जितना बड़ा परिवार होता है उतनी बड़ी बातें होती हैं। मैं आप सभी से कहूँगी, सभी लोग यदि हमें बड़ा मानते हैं तो शांति बनाए रखिए और आपसी भाईचारे को खत्म मत करो, ये सबसे बड़ी बात। और आप सबकी सलामती के लिए, निरोगता के लिए और प्रोग्रेस के लिए मैं प्रणाम माता से दुआ करती हूँ। जैसा पहला माहौल था वैसा आगे ऐसे ही मास का लोग ही पर्टिकुलर पार्टी की विचारधारा का लोग ही वह ई मिशन नहीं माने, इसलिए कि रीटा जी बड़ा जाकर क्यों सुहार कर दियो। रीटा जी ठेगा स्थानीय प्रतिनिधि ही ठेगा एमएलए ही इस क्षेत्र की जनता ने चुनिया है, इसलिए आकर भी अगर कोई फैसलो करियो है वो अपन सब ने मंजूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं अगर करियो है तो गलत, अगर करे तो आप कोई दूसरा भी अगर आकर हो जाओ तो भी आप अभी सहमति कौन करा, सहमति कौन करा। इसलिए राजनीति करते ही विषय में आपने को नहीं देखने की बहुत सारे समाइया का ही, और मैं तो कहूँ खुला आपके सबके सामने लगभग सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े है ने, वो ये कारण ही बिगड़े है कि मैं जो चश्मा ही पान पाओ ही दिखे कि यार सुधरगो तू बिगड़ो क्यों को नहीं, अगर बिगड़ोगे तो आपने ये मिलेगा ने तो फिर चश्मा हटा कर देख लू है, वही आकर सलटायो कहीं भी सलटायो सही सलटायो। बस बात चीज है ना कि कटाई कोई गलत को नहीं, मंदिर की जमीन जारी है कौन जारी, रस्ते को कोई 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 यार को बिंदु को नहीं। लिए मैं आज दोबारा बात ही बोल रही हूँ कि राजनीति तो समय चापान को देख लो है आप लोग काम आप दिया चावा हाँ भी साफ सब हुए है उसी। मुझे मैं अपनी बीमार माँ को छोड़कर आई हूँ और केवल इसलिए आई हूँ कि मंडावा विधानसभा क्षेत्र हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा है, हिंदू मुस्लिम कुछ इसके अंदर नहीं है, सब आपस के अंदर मेलजोल से यहाँ पर रहते हैं। और राय माता जी का जो मंदिर है वो आज का नहीं 400 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पे हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। छोटी मोटी परिवार के अंदर बातें बनती और बिगड़ती है, लेकिन गुरु माता के आज मुझे दर्शन हुए। मैं कहूँगी मौका अच्छा नहीं था, लेकिन आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। एक हम लोगों ने बैठ के चर्चा करी, बहुत सारे गाँवों की तो बहुत सारे लोगों की मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है। मैं नहीं चाहती करते कि इस मंदिर का राजनीतिकरण यहाँ पर करा जाए,